नमस्ते बच्चों, आज हम परमवीर चक्र से अलंकृत योगेंद्र सिंह यादव इस पाठ पर आधारित 40-50 शब्दों में लिखे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40-50 शब्दों में लिखिए। पहला है, योगेंद्र सिंह यादव के मन में देश रक्षा की भावना कैसे जागृत हुई? उत्तर, योगेंद्र के पिता रामकरण कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर सिपाही थे। रामकरण सिंह ने 1965 और 1971 के पाकिस्तान के साथ हुए दोनों लड़ाइयों में अपने पाकिस्तानी हमलावरों से दो दो हाथ कर उन्हें अपने साहस और शौर्य से मार गिराया था। योगेंद्र अपने पिता रामकरण यादव से इस युद्ध की आंखों देखी कहानियां सुनकर रोमांचित हो जाते थे। यहीं से उनके मन में देश रक्षा की भावना जागृत होने लगी। उनकी माँ संतरा बताया करती थी कि योगेंद्र स्कूल में पढ़ते समय कहा करते थे कि वह अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए दुश्मन से जूझेंगे। दूसरा, भारतीय रणबांकुरे ने टाइगर हिल के पहले बंकर पर किस तरह फतह हासिल की? उत्तर, कर्नल राजीव कुमार ने जवानों को बताया कि टाइगर हिल को बड़े तरीके से घेरना होगा। उन्होंने कुछ जवानों की टीम को घातक प्लाटून नाम दिया तथा दो ग्रुप बनाकर अल्फा कंपनी तथा डेल्टा कंपनी नाम दिया। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव तथा अन्य जवानों को ऊपर पहाड़ी पर बने दुश्मनों के बंकरों तक पहुंचने के लिए रस्सी के सहारे खड़ी चढ़ाई करने का आदेश दिया। सुबह होते होते यह जाबाज रणबांकुरे बर्फीली हवाओं की चिंता किए बिना ऊपर तक जा पहुंचे। उन्होंने बाज की तरह झपट कर घुसपैठियों के बंकर पर धावा बोल दिया। पाकिस्तानी घुसपैठिए अचानक हुए इस हमले से भौचक्के रहकर जान बचाने को भागने लगे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव तथा अन्य जवानों ने साक्षात काल का रूप धारण किया तथा दुश्मनों पर हथगोले फेंकने के बाद उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। एक दर्जन पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया गया। सवेरे 6:30 बजे घुसपैठियों के टाइगर हिल के पहले बंकर पर तिरंगा फहरा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से क्यों अलंकृत किया गया? उत्तर, योगेंद्र सिंह यादव को विवाह के केवल 2 महीने बाद ही कारगिल क्षेत्र में युद्ध पर जाने का आदेश प्राप्त हुआ। वहां उन्होंने भीषण शीत लहर झेलते हुए बड़े शौर्य के साथ दुश्मन का सामना किया। दुश्मन की पीकागन छीनकर उन्होंने उसी से उन्हें भून डाला। शरीर पर गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने अपने बाएं हाथ को बेल्ट से छाती पर बांध दिया और दुश्मनों पर हथगोला फेंका तथा गोलियों की बौछार की। जब उसने देखा कि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय चौकी पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, तब उसने चिल्लाकर भारतीय जवानों को सचेत किया। कुल 15 गोलियां लगने के बावजूद योगेंद्र ने अनूठे साहस और प्रबल पराक्रम का प्रदर्शन किया। इसीलिए योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। चौथा है, टाइगर हिल के हीरो घायल योगेंद्र सिंह यादव का उपचार किस प्रकार किया गया? उत्तर, टाइगर हिल के हीरो योगेंद्र को युद्ध में घायल होने पर तुरंत द्रास पहुंचाया गया। प्राथमिक चिकित्सा सहायता के बाद उसे हेलीकॉप्टर से श्रीनगर भेज दिया गया। वहां से उसे गंभीर घाव के उपयुक्त इलाज के लिए दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल में भेज दिया गया। इस तरह टाइगर हिल के हीरो घायल योगेंद्र सिंह यादव का उपचार किया गया। तो बच्चों, अगली बार हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।